राम राम भाइयों। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे पहलवान ढाबे पे, फिर इनकी लस्सी जो ये पूरी कभी नहीं खत्म कर पाती है। अब हम लोग चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं जम्मू के रास्ते में। अभी हम लोग लास्ट नाइट पहुंच चुके थे ग्रेटर नोएडा। हम लोग वहां पे रुके थे भाई के घर पे, और आज हम लोग जा रहे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कश्मीर। सो अपनी न्यू ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। बड़े भैया गोलू भैया, राम राम भाइयों। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आगे देखते हैं आगे का वेदर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। अभी टाइम हो रहा है 12:55 और क्लियर ही नहीं हो पा रहा, बहुत पॉल्यूशन नहीं, पर यहाँ पे तो ग्रीनरी है। पड़े हम लोग मोहाली पंजाब के लिए, तो वहाँ से हम लोग का ट्रिप है कश्मीर, सोनमर्ग वगैरह जितना भी अपना कश्मीर का टूर है, वहाँ से होते हुए हम लोग पत्नीटॉप से सीधा फिर एंजॉय करते हुए लखनऊ के लिए रवाना हूँ। बड़े भाई बैठे हैं तो फिर कह रहे पैसा तुम लोग क्यों खर्च करोगे, सारा खर्चा मेरी ही है। और आगे आप व्लॉग देख ही सकते हैं, और टाइम अराउंड 2:00 है दिन का, भाई बहुत फॉग है यहाँ पे, पंजाब भी एंट्री शायद होने वाली है, नहीं अभी तो हरियाणा आएगा पहले, उसके बाद पंजाब। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे पहलवान ढाबे पे मूर्थल, और बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए शूट नहीं कर पाए, पर ये रहा आपका पहलवान ढाबा। गाइस अब हम लोग सब लोग निकल रहे हैं पहलवान ढाबे से, और ये रही इनकी लस्सी जो ये पूरी कभी नहीं खत्म कर पाती हैं। आज मैंने पूरा एक पराठा खत्म किया खुद अकेले, और मैंने लस्सी भी अकेले पी है, बस एक दो सिप पी है इन लोगों ने। I'm feeling it, my bones telling me it's alright, it's so different, but when you take me to the light, it's like a cigarette, and I'm burning at your lips. So guys, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, यहाँ पे एक मॉल के सामने रुके हैं, बाकी सबको वॉशरूम और फ्रेश होना था, तो ये लीजिए आ गए ये लोग वॉशरूम होके। मॉल नहीं है ये। अच्छा तो गाइस अब हम लोग चंडीगढ़ से निकल चुके हैं जम्मू की तरफ, अभी फिलहाल तो फॉग बिल्कुल नहीं है, होगा भी नहीं, अब नहीं होगा, मेरे तो फॉग आएगा भी नहीं, फॉग डर गया। तो गाइस अभी हम लोग हैं जम्मू के रास्ते में, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं KFC, डोमिनोज, और थोड़ा बहुत फॉग भी है, सुबह सुबह का टाइम है थोड़ा, तो फॉग तो हो गई, जल्दी निकल गए थे तो नाश्ता करके अब यहाँ पर से सीधे जम्मू में रुकेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कितना फॉग है यहाँ पे रास्ते में जम्मू जाते टाइम,
आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आगे वाली गाड़ी के भरोसे हम सब चल रहे हैं। बस अभी हम लोग पहुंचे थे पठानकोट, तो हम लोगों ने ले लिया था होटल और अब सब लोग फ्रेश होके बस आ ही रहे हैं। सामान हम लोगों ने कर दिया सेट, फ्रेश होके आते हैं, फिर निकलते हैं, अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं फ्रेश एंड अप होके, अब बस एक स्टॉप लेंगे चाय पीने का, उसके बाद डायरेक्ट रुकेंगे कश्मीर में। तुम यार फिर सोने जा रहे हो यार, बड़े बेशरम हो भाई, ड्राइवर बना के लेके आए भी मुझे। बताओ तुम्हारे लिए रूम नहीं करूंगा, चौकीदारी करूंगा पूरी रात बाहर बैठ के। गाड़ी तो लॉक कर दूंगा ना, घंटा घंटा बैठे रहेंगे। तुम सो, अब तीन नींद मारे हो उसके बाद भी सो रहे हो। जम्मू हम लोग एंटर करने वाले हैं और अब फॉग देखिए सामने, फॉग ही फॉग, परफ्यूम नहीं है, इंडिया में तो फॉग ही चल रही है। अच्छा हथौड़ी अपने घर आया यार, हथौड़ी हथौड़ी ये अपने यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। तो गाइस अभी हम लोग जम्मू से थोड़ा पहले पहुंचे हैं और हम लोग के फोन के नेटवर्क चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर का प्रॉपर सिम लेना पड़ेगा। हम लोगों को 400 अराउंड कॉस्ट किया उसने एक सिम का, वो एयरटेल का सिम था, और वो आप वहाँ पे भी नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो हर जगह, बट नेटवर्क यहाँ पे उसी का आएगा, यहाँ पे के लिए स्पेसिफिकली वही है जिसका अच्छा नेटवर्क आता है। और बाकी अपने बउआ भाई तो फ़ोन भूल के आ गए थे शॉप पे ही, और वो भी आईफोन भूल के आ गए थे। तो अभी तो भाई आईफोन तो ले लिया दुकान से, अच्छे थे भैया, तो उन्होंने खुद ही कॉल करके दे दिया। तो अब तो बउआ का फोन तो जब्त हो गया, कोई बात नहीं बउआ। अभी हम लोग रुक चुके हैं कहीं खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाएंगे उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये देखे होटल, बहुत अच्छा होटल है, नाम इसका, इसका नाम है मिकाजे रेस्टोरेंट लॉन्च। ये आपका कटरा से थोड़ा पहले पड़ेगा, अब खाना टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा है। तो भाई हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं, खाना अच्छा था और बिल हम लोग का अप्रॉक्स आया 3,500 रुपये का, तो खाना उस हिसाब से ठीक था। अब बाकी यहाँ पे और कैसा खाना मिलता है दूसरी जगह खाएंगे तो बताएंगे, वहाँ का तो फिलहाल बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे कश्मीर, यहाँ से है कश्मीर अराउंड 230 किलोमीटर्स।
तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं एक स्ट्रेच के लिए और 70 किलोमीटर्स बचा है श्रीनगर। हाईवे बहुत प्यारा है, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बीच में पैचेस मिलेंगे आपको अराउंड 70 से 80 किलोमीटर्स की रोड खराब है, टनल्स भी आपको बहुत मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, टिल देन कीप वॉचिंग। तो गाइज अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, फेयर होटल का नाम है, फेयर होटल, और ये एयरपोर्ट के पास है, ये ऋषभ भाई अपने, और रूम आपको दिखाते हैं, ये रहा अपना रूम, ये बड़ी सी टीवी, वो बैठे हुए हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं, ये केवल सोते रहते हैं, इनका ये फ़ोन भूल जाते हैं, इनका नहीं बता पाएंगे, ये पहली बार आए और भाई मेरा वॉशरूम अपना। तो भाई यहाँ पे हम लोग पहुँच तो गए बट ऑनलाइन बुकिंग करके मत आइएगा, अगर ऑनलाइन बुकिंग करिएगा तो पेमेंट भी कर दीजिएगा वरना फिर आपको रूम्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये हमारा एक रूम पड़ा है 6000 प्लस टैक्सेस, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, तो अगर आप आइए तो बुकिंग पहले से करके आइए और पेमेंट भी, बिकॉज 8 बजे के बाद यहाँ पे रोड पे भी टहलना अलाउड नहीं है, आर्मी वाले रोक लेते हैं ऐसे सब बताते हैं, और अगर आप आइए तो किसी से बात ना करिए, कोई गाड़ी रोके तो ना रोकिए एक्सेप्ट पुलिस और आर्मी वालों की। तो टिल देन बाय बाय, वीडियो नेक्स्ट व्लॉग।